ब्राउज़र ओपन करके टाइप कीजिए 192.168.1.1। उसके बाद यूज़र नेम एडमिन ADMIN, पासवर्ड भी सेम एडमिन। उसके लॉगिन करने के बाद आप आ जाइएगा होम पेज पे। यहाँ पे अब सीधा सेटअप विजार्ड ही खुलेगा, तो सेटअप विजार्ड पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, देखिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्किप कर देना है। यहाँ पे आपको टाइम जोन इंडिया का सिलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा देख लीजिए, चेन्नई कोलकाता करके ये है जो आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद कुछ नहीं करना है इसमें, उसका नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पे कंट्री इंडिया सेलेक्ट करना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर BSNL को करना है, PPOE भी BSNL PPOE, ये BCI 35 होगा, BPI 0 होगा। यूज़र नेम देखिए, पता कर लीजिए अपने नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग ऑफिस से, क्योंकि यूज़र नेम आपका आपका अपना होगा, उसके लास्ट में अंडरस्कोर ECDRID होगा। पासवर्ड पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड भी पासवर्ड होगा स्मॉल में दोनों। उसके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और BPI छूट गया, BPI 0 कीजिए वहाँ पर, उसके नेक्स्ट क्लिक कीजिए। इस पेज में आप सिक्योरिटी लेवल कुछ भी रख सकते हैं, अगर नन रखेंगे तो कोई भी वाईफाई में पासवर्ड नहीं देना होगा, अगर WPA 2 PS के रखेंगे तो वाईफाई का पासवर्ड होगा आपका, है ना, तो अच्छा है ना, पासवर्ड होना चाहिए। तो 128 अपने वाईफाई का पासवर्ड दे दिया, और वाईफाई का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं अभी BSNL कुछ दे देता हूँ, यही आपका वाईफाई दिखाएगा, वाईफाई नेम वाईफाई का नाम यही होगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे सेव कर देना है। फिर ये स्टेटस में आप चेक कर सकते हैं कॉन्फ़िगर होने के बाद, नीचे में आपको ये अभी डाउन दिखा रहा है, जस्ट थोड़ा देर बाद आपको ये अप दिखाएगा, मतलब इंटरनेट आ चुका है, आप यूज़ कीजिए इंटरनेट को, मॉडेम कॉन्फ़िगर हो गया है। मॉडेम में भी लास्ट साइड में देखिए, एकदम लास्ट में ब्लिंकिंग ज़बरदस्त स्पीड में है। थैंक यू।